धन्यवाद रेशम सिंह जी। हुण मैं बेनती करांगा संदीप सिंह पवार हरियाणा तो, वह तुहाडे नाल विचार सांझे करनगे। संदीप सिंह पवार सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। यहाँ आके काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज तक ना हम लोग जो पीछे बैठे रहते थे, आज पहली बार इधर आने का मौका मिला और सबकी सहमति से हमने एक मार्च निकाला, रोश मार्च। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये रोष मार्च नहीं है, रोशनी मार्च भी है। रोश मार्च तो है ही है, इसको कहीं ना कहीं रोशनी मार्च भी बोला जाता है क्योंकि दो चीज़ें, अब अंधेरे में हम रोश मार्च करेंगे ना तो अंधेरा रहेगा। अब हमारी जत्थेबंदियां हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है, हम इसको रोशनी की तरह देखते हैं, तो मार्च हमने पीछे से निकाला और रोशनी के साथ आके मिलके रोशनी मार्च हो गया आज। मेरे हमारे यहाँ रोशनी मार्च निकालने के, रोश मार्च निकालने के दो तीन रीजंस हैं स्ट्रॉन्ग। एक तो सबसे पहला, जो हमारे जो भाई शहीद हुए, नवरीत भाई सबसे पहले शहीद हुआ, और शहीद होने के बाद अब जितने भी हमारे भाई या कोई हमारे बुजुर्ग जेलों में बंद हैं, जिनका अभी तक हमें अंदाज़ा भी नहीं है वो कितने हैं, कभी 50 की लिस्ट आती, कभी 100 की लिस्ट आती और कितने और हैं, तो सबसे पहले जत्थेबंदियों से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती, संयुक्त किसान मोर्चा से, कि भी उनकी पैरवी की जाए। क्या होता है जब कोई भी बच्चा घर से बाहर निकलता ना शाम को, उसकी माँ दुआ करती है और उम्मीद करती कि मेरा बच्चा सही हालात में शाम को घर आएगा, ना भी आए तो कम से कम शाम को उसकी बात हो जाए, वो ना गैप काफ़ी हो गया है। तो एक इनसिक्योरिटी सी भी है हमारे भाइयों के बीच में, बच्चों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, माँ बाप के बीच में भी, भाई ये हुआ क्या है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ये जिम्मेवारी बनती है और हम उनके साथ खड़े हैं। उनके अलावा हमने किसी के साथ कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है, उनको ही अपना पूरा का पूरा जो ग्रुप है, पूरे ये पब्लिक बैठी है समर्पित, प्लीज़ उनकी एक अच्छे से पैरवी की जाए। दूसरा, इस रोश मार्च का मतलब क्या था कि जहाँ एक भरम फैलाया जा रहा है कि हरियाणा पंजाब अलग हो गए हैं या कुछ और चीज़ें हैं, नौजवानों के बीच में कोई मतभेद है, तो रेशम भाई के साथ भी कई दिन से बात हो रही थी, मेरे कई और दोस्त हैं, सन्नी भाई बैठा है, देवीलाल जी हैं, अमृतपाल भाई है, तो सिरसा साहब के साथ बातचीत हुई हमारी कि हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करना है सोसाइटी में कि भाई असी अलग अलग नहीं हुए, इकट्ठे हैं। और जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से, तो हम लोग अपने बीच में बात कर रहे थे कि भाई देखो, जो सिख कौम है ना, इसका कर्जा आ गया अब हमारे ऊपर, ये कर्जा उतारने का टाइम आएगा, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ स्टार्ट करी, हम उनके साथ लग के और आगे उस चीज़ को लेके गए। मतलब ये कहने से काम नहीं चलेगा, छोटा भाई बड़ा भाई, अगर बड़ा भाई माना है ना तो हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। और स्पेशली मेरे जितने भी हरियाणा के लोग हैं, उनके बीच में कोई भी भरम फैलाया जाए, कोई भी बात की जाए, वो साफ अनदेखा करके अपने भाइयों के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि हम लोग ना सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं इधर, सारे सिख धर्म के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, तो इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, मोदी साहब बात करते हैं दबाव की राजनीति खेलते हैं, अभी भी हमें दबाया जा रहा है हमारे बच्चों को, भाइयों को जेल में डाल के। तो यही मोदी साहब को एक संदेश देना चाहता है कि भाई इतना भी मत दबाओ कि डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि डर खत्म हो गया ना तो दिक्कत सरकार को आ जाएगी। और जब शहीद भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह सब लोग जो लोग थे, उनको इतना दबाया गया, इतना दबाया गया कि उनका डर खत्म हो गया था, और डर खत्म होने के बाद शहादत आती है। तो कान खोल के थोड़ा सा सुन लो कि हमारा डर खत्म हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने 100, 200, 500 बच्चों को दबा दिया, अब इसके अलावा कुछ हमारे पास बचता नहीं है, तो शहादत का टाइम भी है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि ए भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सब धर्मों का एक धर्म मैं बलिदान सिखाने आया हूँ। तो मेरी यही विनती कि किसी चीज़ से घबराओ मत, कुछ नहीं होता, हाथ पे हाथ पकड़ के खड़े रहेंगे ना तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अकेला आया स्टेज पे, मेरे को यूं महसूस हो रहा है कि पता नहीं कितने लोग तो सामने देख रहे हैं, कितने पीछे भी खड़े हैं, और मेरे घर में भी देख रहे होंगे। तो यही है कि अगर अकेला कोई बंदा जाएगा ना, देखो सबसे बड़ा एग्जांपल है संयुक्त किसान मोर्चा। मुझे नहीं पता इसके पीछे की क्या थ्योरी रही होगी ये बनाने की, कि इतने जत्थेबंदियों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया, तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है।
तो मैं मेरी यही बात है कि हरियाणा हो चाहे पंजाब, नॉट ओनली हरियाणा पंजाब, ये ना सोशल टैबू स्टिग्मा लगा देते हैं हमारे दिमाग पे। पहले बोलते हैं कि पंजाब पंजाब वालों का है, फिर बोलते हैं कि नहीं हरियाणा के तो कुछ भी लोग नहीं है। हमारे खट्टर साहब से स्टेटमेंट दिलवा दी कि हरियाणा का कोई बंदा नहीं है, और इन लोगों को कौन बताए? नवदीप भाई पीछे बैठा होगा, कहाँ से कहाँ छलांग लगाई, पानी का मुंह ही मोड़ दिया। मतलब वो एक बड़ी पर्सनैलिटी बन गया कि हरियाणा का तो लोग पूरा आगे खड़े हैं, बैरिगेट उखाड़े तो भाइयों ने हाथ से हाथ पकड़ के बैरिगेट उखाड़ दिए। तो कोई किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आंदोलन अपना खूब खूब अच्छा जाएगा। बस यही दो चार बातें हमें बोलनी थी, पर आखिरी बार फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने बच्चे जितने भाई हमारे अंदर बंद हैं उनकी संयुक्त मोर्चा पैरवी करें। और रही बात, रेशम भाई ने भी बताया दो पड़ाव आए थे 26 से पहले का 26 से बाद का। तो क्या होता है, जैसे 26 से पहले का पड़ाव था ना, वो तो अब है ना भूलने का टाइम तो चला गया, भूल भी गए और उससे काफ़ी आगे चले गए हैं। अब पीछे दो तीन मोमेंट हुए, उस दिन सड़क रोकी, टोल रोके, अब ये रेन आंदोलन था अपना, हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान झारखंड, ना पता हो किसी को तो ओडिशा वेस्ट बंगाल आपका कर्नाटका और आपका तमिलनाडु, सब में ये पूरा सफल रहा। बिल्कुल कोई वायलेंस नहीं, जीरो टॉलरेंस, किसी भी चीज़ की कोई बदतमीजी नहीं, कोई बातचीत नहीं, सबको मान सम्मान दिया, खाना खिलाया। इवन हमारे किसान भाइयों ने ना गाड़ियाँ भी खड़ी की थी कि भाई कोई परेशान है या कोई इमरजेंसी है, कम से कम उसको भी हम लोग अस्पताल तक लेके जाएंगे। तो एक और बात मेरे को बोलनी है कि सरकार क्या करती है, दबाव की राजनीति, पैरेलली डिवाइड एंड रूल। तो जो मेरे ये आदरणीय लोग, जो बड़े बड़े भाई जिनको हम लोग बोलते हैं, इनके सामने खड़ा हूँ, पार्टीशन हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान इस कौम का हुआ, फिर 84 में नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान इसी कौम का हुआ। तो सरकार ने ये प्लानिंग 26 तारीख को कर दी थी, अगले दो से तीन दिन कि भी हरियाणा पंजाब में कत्लो गैरत कैसे करानी है। तो हमारा कोई बच्चा गलत नहीं है, कोई भाई गलत नहीं है, कोई हमारे माँ बाप गलत नहीं है, पूरा हरियाणा पूरा पंजाब एक साथ खड़ा है। और जो आप लोगों ने सरकार की प्लानिंग फेल कर दी, उससे ज़्यादा खुशी हरियाणा के लोगों के लिए तो कोई भी नहीं, क्योंकि ये कलंक हमारे माथे पे पहले लगता, आप हमारे बड़े भाई भी और हमारे मेहमान भी हो। जिस ज़मीन पे हम लोग बैठे हैं ना, ये साझी ज़मीन है, पहले तो पूरे पंजाब की होती थी, अब आप हमारे मेहमान हो, हरियाणा की ज़मीन पे आके बैठे हो, तो हमारा ज़्यादा फर्ज बनता है। आपको इतनी सी भी दिक्कत आए ना, तो जवाबदेही हमारे हरियाणा वाले भाइयों की बनेगी। दूसरी एक और बात, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में क्या पंजाब का, पूरी दुनिया में जब बात की जाए ना, तो किसी भी आदमी को पहचानने का और उसके एरिए का पता लगाने का एक तरीका होता है उसके सरनेम से, कोई चहल है, कोई पवार है, कोई दहिया है, कोई मलिक है। 36 बिरादरी यहाँ बैठी है, कितना मतलब खुशी का माहौल है। किसी को कोई सारे गिले शिकवे कभी रहे होंगे या नहीं होंगे, तो सब बुला के सारे एक साथ बैठे हैं। और सरकार को टेंशन ये हो रही कि 36 बिरादरी छोटा बड़ा सब एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, ये उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। आंदोलन तो प्रॉब्लम है ही है, अब क्या है, जो एक एजिटेशन चलता है ना, जब 10-5-20 लाख लोग सड़कों पर उतरते हैं, उसके पीछे पीछे ना कई स्लीपिंग चीज़ें चलती हैं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला भी हम लोग आगे आगे ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर ही दिया है। तो मैं मेरे पास दो बच्चियाँ हैं, अब मैं उनका इंतजार करूँगा कब उनकी शादियाँ होएं और मेरे और उनकी नस्लें आगे जाएं। तो मेरी एक विनती है, यहाँ क्या है कि जब सरकार बोलती है ना कि यार हरियाणा में जाट कितने हैं, जाट नॉन जाट करा दो, ये करा दो, वो करा दो, तो मैं जितने लोग भी यहाँ बैठे ना, किसी के घर में भी कोई बच्चा जन्म लेना तो उसके पास बाद में किसान लगाना, क्योंकि हमारी पहचान ना किसानी से है। जात पीछे रहेगी, पात पीछे रहेगी, धर्म पीछे रह गया, जब किसानी को बचाने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं, तो सरनेम आगे जब किसानी लगेगा ना, 85 करोड़ लोगों के पीछे सरनेम किसान नहीं लग जाएगा, संदीप किसान, हरदीप किसान, सरकार हो जाएगी पजल कि डिवाइड एंड रूल कहाँ से करे। 85 करोड़ लोग तो सरनेम एक ही लगा के बैठे हैं, अब उनके पीछे क्या है, कौन सी बड़ी जात है, कौन सी छोटी, वो कन्फ्यूज ही हो जाएगी। तो यही विनती है कि आज से जो भी बच्चा जन्म ले किसान के घर, गोत्र पीछे हटा दो, फला आगे, नाम और पीछे किसान लगा दो, क्योंकि तो थोड़ा ना टाइम का अभाव है, मेरा मन तो था बात करने का, क्योंकि और जत्थेबंदियों से ना बहुत आज खुशी का माहौल इतना बना है,
हाथ जोड़ के इनको मतलब बहुत 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 बधाइयाँ भी, हमें मौका दिया। क्या है, मेरे से 100 गुना ज़्यादा अच्छे बोलने वाले ना पीछे बैठे हैं, पर करते क्या, हम लोग ताश खेलते रहते हैं, जिम्मेवारी दे दी बुजुर्गों पे, पर आगे देखा कि भाई बुजुर्ग ही जवान है मेरे को तो लगता है। तो आज हम आए तो मेरा बात करने का मन है, आता रहूँगा आप लोगों के बीच। और मैं ये देखने आया था कि भाई मेरे बुजुर्ग हैं, माँ बाप सब यहाँ बैठे हैं और इतना अच्छा खाना खा रहे, पास्ते वास्ते सब कुछ मौज हो रही है यहाँ बिल्कुल ना। तो जयकारे में कोई कमी मत छोड़ना, कभी पेट से आवाज़ ना निकले ना, आवाज़ पूरी निकलनी चाहिए। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, बोले सोनिया। बार बार चेक करने आऊंगा कि भाई आवाज कम तो नहीं हो गई है, और कोई दिक्कत हो ना, माड़े फील कर रहे हो तो पीछे से और खाना भिजवाएं, रसद भिजवाएंगे, किसी चीज की कोड नहीं, लोड नहीं है, सामान इतना बादू पड़ा है अपने पास बिल्कुल, और फ्रेश माल चाहिए, लस्सी दूध अपने हरियाणा के सारे निड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस टाइम बोलोगे हाजिर हैं। दूध हर माँ है ना सबसे पहले अपने बच्चों के लिए रखती है, और आप आज देख लो ये जितना दूध यहाँ आ रहा है ना, तो अपने बच्चे की इच्छा मार के दूध आ रहा किसानों के लिए। बस जी, इससे ज्यादा बोलने का मन है पर टाइम नहीं है, फिर आगे मिलेंगे आप लोगों से ना, आता रहूंगा आपके बीच, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, और दिक्कत हो है ना सिरसा साहब को बोलना, फिर आ जाऊंगा, यहीं बैठ भी जाएंगे सो भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, धन्यवाद संदीप सिंह पवार जी।